नमस्कार मित्रों टीचर्स एकेडमी से मैं हूं अम्बरीशु शुक्ल मित्रों शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन आ चुका है और ये शासनादेश है परीक्षा नियामक प्राधिकरण का पीएनपी का शासनादेश संख्या है बीस छप्पन अड़सठ चार दो हजार अट्ठारह दिनांक एक दिसंबर दो हज़ार अट्ठारह का संलग्नक है इसमें कोई भी परिवर्तन उन्होंने नहीं किया है किसी धरना प्रदर्शन वाद विवाद आवेदन प्रत्यावेदन आपत्तियाँ या जो भी हम लोगों ने किया उसका कोई भी परिवर्तन इसमें नहीं किया गया है सब कुछ ठीक वैसे ही है ना ही इन्होंने कहीं यह चर्चा किया है कि हम भारांग किस तरह से देंगे शिक्षक भर्ती में कोई कटाव रहेगा या नहीं रहेगा इस तरह का कोई भी विवरण नहीं दिया गया अब ये शासन की तानाशाही कहें सरकार की तानाशाही कहें जिसकी भी तानाशाही हो लेकिन ऐसा हो गया है तो अब बहुत ख़ास चीज़ें तो इसमें नहीं बची हैं कहने को लेकिन बस इतना ही कहना है कि अब हम सबको कल कोर्ट चलना ही पड़ेगा क्योंकि इन्होंने कट ऑफ निर्धारित नहीं किया है एक दो दिन की और मेहनत है हम लोग करके सारे चीज़ें पहले ही सेट कर दें उसके बाद बैठ के तैयारी करिए आप सब और मैं आपको पढ़ाऊँ परीक्षा जो होगी वो उसी समय पर होगी उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है सबसे बड़ा मुद्दा यह भी है कि नोटिफिकेशन से परीक्षा के बीच में पैंतालीस दिन का समय होना चाहिए लेकिन यह भी समय कम दिया जा रहा है आज अगर हम आज का नोटिफिकेशन डेट मान लें छः तारीख तो छः तारीख़ से छः जनवरी एक महीने का ही समय है और पैंतालीस दिन का समय होना चाहिए वैदिक रूप से और इन्होंने जो दो तीन चीज़ें और की हैं 2015 के बीटीसी पास अभ्यर्थियों जो पास नहीं है रिज़ल्ट नहीं आया उनको भी आश्वासन दिया गया है कि हम आपको लेंगे अभी तक उनका रिज़ल्ट नहीं आया नोटिफिकेशन आ गया और वो फॉर्म कैसे भरेंगे तो वह भी एक संकट मडरा रहा है बहुत सारे छात्र आज पी एन पैसे भी मिले थे कि जिनका सब कुछ ठीक है कोई गलती नहीं है फिर भी उनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है उनका क्या होगा तो कुल मिलाकर ये भर्ती मुझे लग रही है कि फंस चुकी है टेट की परीक्षा से लेकर अभी तक का जो नोटिफिकेशन है सारे मुद्दों पर ये भर्ती जो है वो घिर चुकी है अब ईश्वर ही बचाए उस भर्ती को कि वो समय पर हो जाए सब कुछ ठीक ठाक रहे सब लोग सेलेक्ट हो जाएं दूसरी खास बात क्या है कितने लोग फॉर्म भर सकते हैं अब नई गणित क्या बन रही है इन सारी चीज़ों पर एक नया वीडियो मैं लेकर आ रहा हूं जल्दी ही आप सबसे बरूबरू होऊंगा उसमें बताऊंगा कि अब कितने लोग फॉर्म डाल सकते हैं और क्या हो सकती है एक सीट पर लड़ाई तो मित्रों जल्दी आपसे मुलाकात होती है मैं आप सबके लिए हमेशा लड़ता रहूँगा पढ़ाता भी रहूँगा और मैं चाहता हूँ कि आप सब अध्यापक बने पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद साथ ही साथ थोड़ा सा आप मेरे लिए भी कर सकते हैं और अपने लिए भी कर सकते हैं वीडियोस अगर आप जिन वीडियोस में आंदोलन की बात की जाए इस तरह के वीडियोस अगर आप शेयर करें तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बात पहुंच सके कि हम लोग करना क्या चाह रहे हैं तो कल फिर से पीएनपी पे घिराव है और वहीं पर निर्णय किया जाएगा कोर्ट जाने को लेकर तो जिन लोगों के फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं जिन लोगों का रिजल्ट रिजेक्ट हुआ है वो सब भी पहुँचे और जो लोग लिखित परीक्षा संबंधित वह सब भी पहुँचे कल अगर आयोग इन सारी चीज़ों पर विचार नहीं करता है कल वहाँ तय होगी रणनीति कि अब कोर्ट जाना है कब जाना है और कैसे जाना है एक खास बात यह भी जान लीजिए कि जितने भी रिजल्ट आ रहे हैं जितने भी न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय आ रहे हैं उन सब में याचियों को ही फायदा मिल रहा है इसलिए आपको याची बनना भी आवश्यक है इसलिए भी आयोग पर कल आप सब आइए चाहे एक ही घंटे का समय निकाल के आइए ग्यारह से बारह के बीच में आप सबकी उपस्थिति अनिवार्य है जरूर पहुंचिए समय पर साथ ही साथ आप अपने सारे कागजात भी लेके आइए जिससे सारी चीज़ों पर विचार हो सके पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद नमस्कार